हमारे देश में महिलाओं को लेकर हमारी सोच आज भी पिछड़ी हुई है। भले ही देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही हो, इस वक्त हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो, लेकिन देश की लड़कियां चांद तक भी क्यों ना पहुंच जाए, उनकी मेहनत, लगन और कार्य क्षमता पर अब भी इस पितृ सत्तात्मक समाज को संदेह ही है। और जब भी लड़कियां आसमान छूना चाहती है, समाज उनका मजाक जरूर उड़ाता है। आज हम आपको एक ऐसी ही लड़की की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने अपनी जिद से पुरुष प्रधान इस समाज की बोलती बन की है। ये तस्वीरें देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये लड़की कोई मॉडल है और जिद करके मॉडलिंग की दुनिया में इसने अपने लिए नाम कमाया है, लेकिन गलत। इस लड़की ने जिद करके मिजोरम चुनाव में अपने लिए एक पहचान बनाई है और इस पितृ सत्तात्मक सोच रखने वाले समाज को या पुरुष प्रधान समाज को एक सबक भी सिखाया है। दरअसल इस महिला का नाम है बेरिल वन्ने इहसांगी। बेरिल राजनीति में कदम रखना चाहती थी। आपको बता दें, बेरिल की उम्र मात्र 32 वर्ष है और वो अविवाहित है। जब बेरिल ने ये कहा कि वो चुनाव लड़ना चाहती है, वो राजनीति में कदम रखना चाहती है, तो लोगों ने उनका खूब मजाक उड़ाया। किसी ने भी बेरिल को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन बेरिल समाज के लिए कुछ करना चाहती थी और वो अपनी इस जिद पर कायम रही। बेरिल पेशे से एक टीवी एंकर है और आरजे भी रही है। अब ऐसे में जब बेरिल कम उम्र में चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करती है तो पुरुष प्रधान समाज उनका मजाक उड़ाता था, कहता था कि मनोरंजन और फैशन की दुनिया से ताल्लुक रखने वाली एक महिला क्या कभी विधायक बन सकती है। बेरिल मिजोरम से आती है। मिजोरम में आज भी यही धारणा है कि महिलाओं को चार दीवारों के अंदर ही रहना चाहिए। अब ऐसे में बेरिल के लिए चुनाव लड़ना एक बड़ी चुनौती थी और राजनीति में जब उन्होंने कदम रखने के बारे में सोचा तो लोगों ने सोशल मीडिया और रियल लाइफ में उनका जमकर मजाक उड़ाया। बेरिल इस मजाक के डर से रुकी नहीं, थमी नहीं, बल्कि उनकी जिद और पक्की होती चली गई। मिजोरम चुनाव में ZPM पार्टी से मैदान में उतरी बेरिल ने आखिरकार चुनाव भी जीता और खुद को साबित भी किया। बेरिल सबसे कम उम्र की महिला विधायक है मिजोरम में और अब अपनी इस जीत को मिजोरम की महिलाओं को समर्पित भी कर रही हैं और उनके हित में काम करने की बात भी बेरिल ने की है। हमारे देश में महिलाओं को एक उम्र के बाद ही गंभीरता से लिया जाता है, तो बेरिल की उम्र कम थी, उस पर वो अविवाहित। इस पुरुष प्रधान समाज ने बेरिल को और उनके राजनीतिक चाह को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन विधानसभा चुनाव जीतकर बेरिल ने न सिर्फ इतिहास रचा बल्कि सबको मुंह तोड़ जवाब भी दिया। इस पूरे मामले में आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।